बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग का चतुर्था पाठा, जिसका अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, आज उसके प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग पूरा करेंगे। और अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसमें जो शब्द दिया गया है उसमें है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम्, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम्। और दूसरा है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। यथा अहम पठामि, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, बहुवचने वयम पठामः। तो जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण देकर बताया गया है। और क है अहम नृत्यामि, यहाँ पे बहुवचने बहुवचन में इसे बदलना है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर दो, क्योंकि पहला तो उच्चारण करना था जो कि हम लोगों ने कर लिया। अहम नृत्यामि की जगह हो जाएगा वयम, वयम नृत्यामः। और फिर है त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे बहुवचन में इसे बदलना है यूयम, यूयम पठत। और फिर है युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो, इसको एक वचन में बदलना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे त्वम क्रीडसि, एक वचन में हो जाएगा त्वम क्रीडसि। और घ है आवाम गच्छाव, हम दोनों जा रहे हैं, और इसको बहुवचन में बदलना है जैसा कि निर्देश है यहाँ पे, तो वयम गच्छामः, वयम यहाँ पे बिंदु लगेगा, वयम गच्छामः। और अंग है अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में बदलना है मम पुस्तकम्, मम पुस्तकम्। और च है तव गृहम, यहाँ पे युवयोः गृहे, युवयोः गृहे। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है कोष्ठकात, कोष्ठकात यानी कोष्ठक से उचितम पदम, उचितम शब्दम, कोष्ठक से उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पर पठामि जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सर्वनाम शब्द के लिए पठति पठतः पठन्ति और पठसि पठतः पठत पठामि उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग अहम का प्रयोग करेंगे, अहम आवाम वयम जो उत्तम पुरुष में आता है, पठामि एक वचन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उत्तर तीन के क में लिखेंगे अहम, यहाँ पर हम लोग अहम लिखेंगे। और अब है ख गच्छतः, गच्छतः जो है वो मध्यम पुरुष में द्विवचन में आता है, और युवाम और यूयम, यूयम बहुवचन में आता है और युवाम द्विवचन में आता है, तो यहाँ पे युवाम हो जाएगा, युवाम। तो इस तरह से जिसमें एतत पुस्तकम दिया है एक वचन है, तो मम हो जाएगा, मम पुस्तकम। और फिर यहाँ पे क्रीडनकानि, ये बहुवचन है, युष्मान,
युष्मान और फिर है अंग छात्रे स्व, तो स्व के साथ जो है वो आवाम लगेगा। अस्मि अस्वः अस्मः होता है, अहम आवाम हो जाएगा। एषा लेखनी, तो एषा तव लेखनी, यहाँ पर तव, तो यहाँ पे तव का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से ये सभी जो है खाली जगह भरे गए। और चौथा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, और चौथे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से ये, इसमें भी खाली जगह भरना है और क्रियापदैः वाक्यानि पूर्यत, क्रियापद से वाक्य पूरे करने हैं। तो अब हम लोग अगला पद करेंगे, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब इसमें क्रियापद भरना है, इससे पहले वाले में कर्तृपद भरना था, कर्ता था। तो उत्तर चार, उत्तर चार के क में आ जाएगा यहाँ पे अहम पठामी, जैसे पठामी अहम के साथ पठामी का प्रयोग किया गया है। त्वम के बाद खाली जगह है, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन में आता है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर जो दिया है पठसि धावामः गच्छावः क्रीडथः लिखामि पश्यथ, तो इनमें से सही ढूंढेंगे। त्वम के साथ मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाएंगे पठसि, तो इसमें आ जाएगा पठसि। और ख जो है आवाम गच्छावः, तो यहाँ पे आवाम है तो गच्छावः हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष का है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगाएंगे द्विवचन की। अब ग है यूयम, यूयम पश्यत, यूयम यहाँ पे पश्यत हो जाएगा, क्योंकि त्वम युवाम यूयम है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। और घ है अहम के साथ हम लोग लिखामी लिखेंगे, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, अहम लिखामी। और अंग है युवाम क्रीडथः, क्रीडथः यहाँ पर आ जाएगा, युवाम क्रीडथः। और च है वयम धावामः, वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया रहेगी धावामः, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया धावामः रहेगी। और फिर है यहाँ पे पांचवा प्रश्न, उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद से वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण करें। तो यहाँ पर मम तव आवयोः युवयोः अस्माकं युष्माकं दिया हुआ है, तो इसमें जो है एषा मम पुस्तिका एक उदाहरण देकर पूरा किया गया है। इसमें क है एतत् गृहम, तो एतत् यानी कि यहाँ पे यह मम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर पाँच में, उत्तर पाँच के क में मम। और ख है मैत्री दृढ़ा, तो आवयोः, आवयोः हम दोनों की, एषा एषा तब विद्यालयः, और च है युवयोः, युवयोः, और फिर है भारतम अस्माकम, अस्माकम, और फिर है एतानी पुस्तकानि युष्माकम, ये युष्माकम। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। और अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रश्न छः, एक वचन पदस्य, इसमें ये करना है कि एक वचन पदस्य, एक वचन के पद को द्विवचने, द्विवचन में बदलना है। एक वचन पदस्य द्वि बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में लिखना है।
तो यहाँ पर उत्तर छः में यहाँ पे दिया है सह की जगह पर ते हो जाएगा, ते सह तौ ते होता है और ताह सा ते ता होता है, तो बहुवचन की जगह पर एक वचन करना है तो हम लोग यहाँ पर सा लिखेंगे ता की जगह पे, सा ते ता होता है। और तीसरा है ग एताह, तो एषा एते एताह, एषा यहाँ पर लिखेंगे एक वचन में, एषा का प्रयोग करेंगे। और त्वम है, त्वम की जगह त्वम युवाम यूयम होता है तो यहाँ पर यूयम लिखेंगे, यूयम। और अब है इसके बाद अस्माकम मम, तो अस्माकम की जगह पे यहाँ पे मम हो जाएगा। और फिर है च का तव दिया हुआ है और तव की जगह पर युष्माकम हो जाएगा, युष्माकम यहाँ पर युष्माकम। और फिर अगला है एतानी, एतत एते एतानी होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एतत, एक वचन करेंगे क्योंकि बहुवचन है एतानी तो उसकी जगह पर एक वचन हो जाएगा। और अब है यहाँ पे प्रश्न 7 क है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत्, वार्तालाप का रिक्त स्थान पूरा करें। यथा प्रियंवदा शकुंतले त्वं किं करोषि, यहाँ पे खाली जगह में त्वं भरा है, त्वं जो मोटे अक्षरों में लिखा है वो यहाँ पर भरा गया है, तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग है। शकुंतला कहती है प्रियंवदे नृत्यामि, तो जो बोल रहा है, जो वक्ता है उसमें उत्तम पुरुष लगता है और वो जिससे बात कर रहा है वह मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ पे हम लोग अहम और त्वम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर नंबर डाल के हम लोग करेंगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, इस तरह से पहले जो खाली जगह में दो दो पद आएगा तो यहाँ पे उत्तर 7 है ये। और इसमें पहला जो वाक्य है उसमें हम लोग पहले खाली जगह में अहम भरेंगे, अहम यहाँ पर उत्तर 7 में पहले खाली जगह में अहम और फिर दूसरे खाली जगह में त्वम, यहाँ पे त्वम भरेंगे तो ये खाली जगह में भरा जाएगा। अब दूसरा जो है प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामी, यहाँ भी अहम आएगा, अहम गायामी किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला इससे पहले बोलती है कि प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, संबोधन का निशान है, अहम नृत्यामी, वो कहती है शकुंतला अहम नृत्यामी, मैं नृत्य करती हूँ, त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो। तो प्रियंवदा उसका उत्तर देती है शकुंतले, हे शकुंतला, संबोधन में आ का ए हो जाता है तो शकुंतले अहम गायामि, मैं गाती हूँ, किम यहाँ पे त्वम न गायसी, त्वम का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो कहती है कि क्या तुम नहीं गाती हो, तो यहाँ पे हो जाएगा अहम और त्वम, क्योंकि ये दो लोग बात कर रहे हैं तो एक मैं करके बोलेगा और दूसरा मैं और तुम का प्रयोग करेंगे क्योंकि दो लोग यहाँ पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। अब शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ, अहम तो नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ, तो यहाँ पे वो दोनों खाली जगह है तो दोनों वही बोल रही है इसलिए अहम हो जाएगा। और फिर है शकुंतले किम माता नृत्यति, तो तव मतलब तुम्हारी, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं, तो यहाँ पे तीसरे चौथे लाइन में ये तव का प्रयोग होगा। और फिर है शकुंतला कहती है आम, आम मतलब हाँ, शकुंतला कहती है आम अर्थात हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी जो है वो नृत्य करती हैं, नाचती हैं। तो यहाँ पर जो है पांचवा जो पंक्ति है हम लोग यहाँ यथा वाला नहीं लिखेंगे और इसमें तव लिखा हुआ है,
और इसकी जगह पे अब हम लोग पांचवें में लिखेंगे मम। वो पूछती है क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं, तो वो बताती है मम माता अपि नृत्यति। प्रियंवदा कहती है कि साधु, बहुत अच्छा, साधु का मतलब होता है अच्छा। इदानिम चलावह, तो इदानिम का प्रयोग होगा यहाँ पे, अब हम चलते हैं। तो इस तरह से उत्तर सात में खाली जगह में सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया और अंत में इदानिम का, यानी कि अब चलावह मतलब चलते हैं। अब ख है उपयुक्त अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ योजयत मतलब जोड़ो। तो यहाँ पर सा, तानि, अस्माकम और उसका अर्थ भी दिया हुआ है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसके सामने उसका अर्थ रहेगा, तो इसको हम लोग अभी करते हैं। और ये सातवें का वो क था और ये सातवें का ख है, तो ख में है सा, पहले यहाँ पे उत्तर सात का ख है, तो यहाँ पे क नंबर हम लोग डाल दे रहे हैं या पहला नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें नंबर तो दिया नहीं हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला है सा, सा का मतलब होता है वह, सा का अर्थ है वह, और ये स्त्रीलिंग में होता है। और दूसरा है तानी, तानी, तानी का अर्थ है यहाँ पर वे, और ये नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग। और अब है यहाँ पर अस्माकम, तीसरा है अस्माकम, और अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। और चौथा है यूयम, यूयम का है जो वह, यूयम वह, और ये वह होता है इस, यूयम मतलब कि तुम सब, यूयम तुम सब। आवाम, आवाम, आवाम का अर्थ है यहाँ पर, आवाम का अर्थ है हम दोनों, अहम आवाम वयम होता है, तो यहाँ पर हम दोनों, आवाम हम दोनों। मम, मम का अर्थ होता है मेरा, यहाँ पर मम का अर्थ है ये छठा जो है इसका अर्थ है मेरा, मम का अर्थ है मेरा। युवयो, युवयो का अर्थ होता है तुम दोनों का, तुम दोनों, तो युवयो जो है तुम दोनों का, तुम दोनों का, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन में आता है। और अब है यहाँ पर आठवां तव, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, यहाँ पर तव है और तव का अर्थ है तुम्हारा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे प्रश्न किए गए पाठ चार के, और अब हम लोग इसको सभी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अब हम लोग पांचवा चैप्टर वृक्षाह का अर्थ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पंचमा पाठ वृक्षाह, तो यहाँ पर हम लोग शीर्षक बदल देंगे और इसका अर्थ समझते हुए, भावार्थ समझते हुए उसके कठिन अर्थ को भी समझा जाएगा। तो यहाँ पर पंचमह हम लोग यहाँ पर पंचमह पाठ करेंगे, पंचमह पाठ वृक्षाः।
पंचमः पाठः वृक्षाः। तो यहाँ पर हम लोग वृक्षाः पाठ के बारे में सबसे पहले इसका शुद्ध उच्चारण करना है। वने वने निवसंतो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने यानी कि वन वन में, वृक्षाः यानी कि वृक्ष जो है वो रहते हैं, और ये वृक्ष जो है वो वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और वृक्षों से, वृक्ष जो है हर एक वन में होते हैं और वृक्षों से जंगल बनता है। वृक्ष जो है वो जंगल को रचते हैं, बनाते हैं, क्योंकि कोई भी जंगल बिना वृक्ष के नहीं होता है। शाखा दोला सीना वेहगाह, तैह किमपि कुजंती वृक्षा। यहाँ पे वने वने कहने से तात्पर्य है प्रत्येक वन में, वने वने कहने से तात्पर्य है प्रत्येक वन में निवसंतो वृक्षाः। निवसंतो का अर्थ है रहते हैं, निवसंतो, निवसंतो का अर्थ है रहते हैं, और वनम वनम रचयन्ति, रचयन्ति का अर्थ होता है बनाते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। रच धातु का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। वने तो वने वने निवसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सीना विहगा, तैह किमपि कुजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला यहाँ पे शाखा डालियाँ, शाखा, शाखा का अर्थ है डालियाँ, और या टहनियाँ भी इसको कहा जाता है, डालियाँ या टहनियाँ, पतली पतली जो पेड़ों की शाखाएँ होती हैं। और विहगाह कहते हैं पक्षी गण को, विहगाह, विहगाह कहते हैं पक्षीगण को। तैह किमपि कुजंती वृक्षा, तैह मतलब उनमें से, को वो जो है कुछ भी, किमपि मतलब कुछ भी, किम और अपि, इसमें दो पद है, एक है किम और दूसरा है अपि, और ये दोनों मिलकर बन जाते हैं किमपि, और किमपि का अर्थ होता है कुछ भी, इसका अर्थ है कुछ भी, किमपि का अर्थ होता है कुछ भी। तो किम और अपि मिलकर ये दोनों, ये म और अ, ये दोनों मिलकर पूरा म बन जाते हैं। तो यहाँ से ये म में अ जुड़ गया है, तो ये अ म में आ गया है, म हो गया है पूरा। तो किम अपि, किमपि, कुछ भी। कुजंती जो है वो चहचहाते हैं, बोलते हैं, कूजते रहते हैं। वृक्षाः मतलब उन पेड़ों पर, वे कुछ भी कूकते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पिबंती, पिब धातु है इसमें, पिबंती में पिब धातु है, और इसमें जो है पिब का अर्थ होता है पीना, पिब से पिबंती बना है, पिबंती, और पिबंती का अर्थ होता है पीते हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन है, इस वर्णन में पिबंती पीते हैं पवनम जलम संततम, पवनम मतलब वायु, जलम मतलब जल, संततम मतलब लगातार, वो लगातार जल और वायु पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, एक सज्जन व्यक्ति की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह वे पानी और जो है वायु को पीते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं। इस प्रशांति, और सज्जन लोग यानी कि जो अच्छे लोग, जैसे कि अच्छे लोग ढंग से एक अच्छे तरीके से खाते पीते हैं, वैसे ही पेड़ भी सज्जन लोगों की तरह जो है पवन और जल को, वायु यानी कि हवा और पानी को लेते हैं। स्पृशंति, स्पर्श करते हैं,
स्पृशन्ति मतलब स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। पादैः पातालम् च यानी कि अपने पैरों से पाताल को, पाताल कहते हैं भूमि के नीचे का जो भाग होता है उसे पाताल कहते हैं और ऊपर जो है वो आसमान होता है। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा और ऐसा लगता है मानो वे आकाश को, नभ नभः मतलब आसमान, आसमान को शिरसु सिर पर, शिरसु का अर्थ है शिरसु यहाँ पर शिरसु का अर्थ है सिर पर, शिरसु सिर पर वहन्ति धोते हैं, वहन्ति कहते हैं, वहन्ति का मतलब है धोते हैं, ऐसा जैसे कि कोई बोझा ढोता है वैसे ही ये पेड़ जो है वो आसमान को अपने ऊपर उठाए रहते हैं, तो यानी कि उसे ढोते हैं, उसको उठाए रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा लगता है कि पेड़ों के ऊपर आसमान जो है वो उठा हुआ है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे दर्पण में, शीशे में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन, कौतुकेन मतलब कौतूहल से, अचंभे से, आश्चर्य से पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, वृक्षाः मतलब पेड़ को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः वे आश्चर्य से जो है पेड़ अपने प्रतिबिंब को पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पणे कहते हैं जल रूपी आईने में, पयो दर्पणे जल रूपी आईने में, पयो दर्पणे जल रूपी आईने में वे अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को, अपनी छाया को वे कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति मतलब देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य यानी कि फैलाकर, फैलाकर स्वछाया, स्वछाया का अर्थ होता है अपनी छाया का, स्वछाया अपनी छाया, संस्तरणम उसको विस्तार करके फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे इसे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पयो दर्पण स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम का अर्थ होता है, स्वप्रतिबिंबम स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी अपने प्रतिबिंब को, और यहाँ पर दूसरा है पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं, पश्यन्ति, पश्यन्ति का मतलब है देखते हैं, अपनी छाया को देखते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को जल रूपी आईने में देखते हैं, कैसे देखते हैं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा आश्चर्य से पेड़ जो है वो अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम और अपनी छाया का, अपनी छाया का बिस्तर बनाकर, छाया रूपी जो उन पेड़ की जो छाया होती है उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिस्तर बना दिए हों आराम करने के लिए। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा और पेड़ जो है इस तरह से सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं जो आने जाने वाले होते हैं, जो राहगीर होते हैं वे वहाँ पर बैठकर विश्राम करते हैं और उसकी छाया रूपी बिस्तर पर
बैठते हैं। तो यहाँ पे छाया की तुलना जो है वो बिस्तर से की गई है, और पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में बहुत ही आराम मिलता है, धूप से वो हमें बचाते हैं। पेड़ खुद धूप में खड़े होते हैं लेकिन दूसरों को छाया करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी लिखा हुआ है आगे, जैसा कि वने वने प्रत्येक वन में निवसंतः रहते हुए रहने वाले रचयंती रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियाँ टहनियाँ दोला झूला आसीना बैठे हुए विहगाह पक्षीगण किमपि कुछ भी कूजंती कूकते हैं कूकती हैं संततम निरंतर लगातार, साधु जनाः तपस्वी लोग सज्जन लोग इव मतलब की तरह पिबंती मतलब पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, शिरसु सिर पर वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में आईने में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को पश्यंती मतलब देखते हैं। तो ये पाठ है, पंचमह पाठ है वृक्षाः, जिसमें कि हम लोगों ने प्रत्येक पंक्ति का अर्थ देखा और उसका जो है किस तरह से उच्चारण करना है, और इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, उसका भावार्थ जो है, कहने का भाव क्या है, ये हम लोगों ने जाना। तो एक बार ये कविता फिर से हम लोग पढ़ेंगे। वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयंती वृक्षा शाखा दोला सीना विहगा तैह किमपि कुजंती वृक्षा पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति पादाय पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो यहाँ पे डॉक्टर हर्षदेव माधव ने, जिन्होंने ये गीत लिखा, संस्कृत की कविता लिखी वृक्षाः नाम से, तो इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, और पेड़ों को एक सज्जन व्यक्ति की तरह, एक अच्छे पुरुष की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह यहाँ पे बताया है कि किस तरह से वो सज्जन लोगों के समान जो है जल और वायु का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वे जो है लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखते हैं, खुद धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया देते हैं, और वे पानी में अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, जैसे कि हम लोग पानी में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, जैसे कि एक दर्पण में दिखाई देता है, जैसे कि शीशे में हम लोग आईने में देखते हैं वैसे ही पानी में भी दिखता है। तो पेड़ अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को पानी में देखकर बहुत ही आश्चर्य से वो देखते हैं, और वे लोगों का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, और उन्हीं से वन की रचना होती है। जंगल भी जो है वो पेड़ों के रहने से ही बनता है, और पेड़ों की टहनियों पर चिड़ियों का पक्षियों का बसेरा होता है, वे उस पर घोंसला बनाकर रहते हैं और वे खूब चहचहाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वे बहुत खुश हैं, और पेड़ों की डालियों पर वो उसको टहनियों को झूला बनाकर, जैसे ही पक्षी बैठते हैं वो टहनियाँ हिलती हैं और ऐसा लगता है मान लो पक्षीगण जो है उस पर झूला झूल रहे हैं। तो इस पाठ का आज हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।